अंत से योग में आपका स्वागत है। मैं मिसेज जैन, योग विशेषज्ञ। अगर नहीं पता तो अब जानिए आपकी बॉडी को कैसे वर्कआउट प्लान की जरूरत है। सही वर्कआउट प्लान जो आपकी बॉडी से फैट लॉस करने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। आज की वीडियो जया जी के लिए है। उनका कहना है, हाय मैम, मैं आपके हर एक विलो रेगुलरली देखती हूँ, बहुत अच्छे से सिखाते हो। 40 प्लस एज वालों के लिए बैली फैट के आसन बताओगे प्लीज़? देखिए जया जी, अगर आपके बैली पर बहुत ज़्यादा फैट है तो स्लो आसन से नहीं जाने वाला, उसके लिए आपको थोड़ा सा फास्ट कार्डियो करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम दो आसान सी एक्सरसाइज बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करके अपने फैट को लॉस कर सकती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल, दोनों हाथ सिर के पीछे रखते हुए जॉगिंग कीजिए 2 मिनट तक लगातार। सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल, गहरा सांस, सांस को बाहर निकालते हुए घुटने को कोहनी से टच करें, कमर को मैक्सिमम ट्विस्ट करें दोनों तरफ से 10 टाइम्स और धीरे धीरे हर दिन इसकी क्षमता को बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव, हाथ और पैर दोनों को पीछे ले जाएं साइड किक और धीरे से सांस को बाहर निकालते हुए पैर के पंजे से हथेली को टच करें दोनों तरफ से 5-5 टाइम्स। फिर से देख लीजिए एक बार, एक हाथ को ऊपर करें, पीछे की तरफ ले जाएं, पैर को भी पीछे मुड़े, दोनों को एक साथ सांस को बाहर निकालते हुए पैर के पंजे को स्पर्श करें। ध्यान रखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो इन सभी एक्सरसाइज को 15 मिनट से ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं। ये सभी एक्सरसाइज मेल और फीमेल सभी के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव, जिससे आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट, लेग स्ट्रेंथ सभी कुछ बढ़ेगा, जिससे आपके काफ़ी सारे आसन लग जाएंगे, जैसे हस्त पादांगुष्ठ आसन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पद्मासन, वज्रासन। आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इन सभी एक्सरसाइज को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करोगे और हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतस्योग।